खबरें विस्तार से। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन पंचायती, तो बड़ी खबर उदयपुर से, जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम वसुंधरा राजे खैरवाड़ा में जन सुनवाई की उन्होंने, और सीएम के साथ इस दौरान सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार उदयपुर संभाग के दौरे पर है और इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खैरवाड़ा में जन सुनवाई की। लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी और मुख्यमंत्री ने उनके जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। उदयपुर संभाग दौरे पर है सरकार और इस दौरान सीएम राजे ने जन सुनवाई की खैरवाड़ा में। उदयपुर संवाददाता भगवान प्रजापत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उदयपुर संभाग के दौरे पर है, सरकार मुख्यमंत्री के साथ, सभी मंत्री सरकार वहां पर दौरे पर है, मुख्यमंत्री ने आज जन सुनवाई की है खैरवाड़ा में, क्या कुछ रहा इस जन सुनवाई के दौरान? जो खैरवाड़ा में जन सुनवाई हुई मुख्यमंत्री की, उसमें सबसे जो खास बातें यह थी कि जो आदिवासी अंचल है खैरवाड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोगों की समस्या बहुत सारी निकल कर सामने आई। जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने सभी समस्याओं को सुना एक एक कर, और जो अधिकारी उनके साथ मौजूद थे उन सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि इन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द हो। कुछ समस्या ऐसी भी थी जो पिछले दिन लंबे समय से लंबी पड़ी हुई थी, अधिकारियों उन समस्याओं पर वसुंधरा राजे ने खासकर ध्यान दिया और समस्याओं को निस्तारण के निर्देश दिए। इससे पहले बात की जाए राजे के दौरे की, तो राजे सुबह एकलिंगगढ़ भगवान एकलिंग जी के दर्शन के लिए पहुंची, वहां पर दर्शन करने के बाद जो खेवड़ा पहुंचा था, उससे पहले उन्होंने दो जगहों पर औचक निरीक्षण किया, और औचक निरीक्षण जो था वे कस्तूरबा विद्यालय में किया गया था। औचक निरीक्षण में खामे पाए और खामियों को दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को। जी सुमित, बिल्कुल, भगवान वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, स्थानीय निवासियों की समस्याएं भी काफी हैं, आदिवासी इलाका है। अगर समस्याओं की बात करें भगवान, तो किस तरह की ज्यादा समस्याएं सामने आ रही हैं? मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की, तो उस दौरान कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो वहां के स्थानीय लोगों ने ज्यादा रखी मुख्यमंत्री के सामने? सबसे मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो सबसे जो समस्या सामने निकल कर आई थी पानी की समस्या, क्योंकि इस आदिवासी अंचल में पानी की उपलब्धता कम होने की वजह से सभी जगहों पर समस्या जो थी वो पानी की समस्या थी। मुख्यमंत्री के सामने हो चाहे अन्य मंत्रियों के सामने हो, सभी के सामने पानी की समस्या निकल कर आई, इसलिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पानी की समस्या को निस्तारण करने के आदेश जारी किए। जी सुमित, भगवान क्या कुछ पानी की समस्या काफी पुरानी है यहाँ पर, मुख्यमंत्री ने निस्तारण करने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन क्या लगता है आपकी बात हुई हो अधिकारियों से, कब तक इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा? जो आदेश जारी हुए हैं पानी की समस्या को निस्तारण करने के लिए, उसके बाद यह बात सामने निकल कर आई है कि अधिकारी इन पर काम तो करेंगे, लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये समस्या बहुत पुरानी है और पिछले कई सालों से चली आ रही है, इसलिए इनका निस्तारण होना तुरंत होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो इस तरह से आदेश जारी हुए उसके बाद काम शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में लोगों को इससे राहत मिल सकती है। ये समझिए, बिल्कुल भगवान, क्या कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई होगी जिन्होंने समस्याएं रखी हैं, क्या वो संतुष्ट हैं इस जन सुनवाई से? जन सुनवाई से संतोष की बात करें तो हाँ, बहुत हद तक संतोष है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंची थी उनके क्षेत्र में खैरवाड़ा में जन सुनवाई करने के लिए, इसलिए लोगों की आशा है कि जो प्रदेश की मुखिया है उसमें राजे खुद वहां हमारे यहाँ जन सुनवाई के लिए आई है, तो हो सकता है कि जो समस्याएं वो पिछले लंबे समय से लंबित थी, अब मुख्यमंत्री के आने से जल्द ही इनका निस्तारण होगा। और क्योंकि जो प्रदेश की खुद मुखिया हमारे चल के रही है, तो उनका यह भी मानना है कि अधिकारी इनकी बात का ध्यान रखेंगे और जल्द इनके आदेश का पालना करते हुए इन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। चलिए चलिए, शुक्रिया भगवान तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर संवाददाता भगवान प्रजापत बता रहे थे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खैरवाड़ा में उन्होंने जन सुनवाई की, लोगों ने कई समस्याएं रखी, पानी की समस्या यहां पर मुख्य तौर पर देखी गई, जिसके निस्तारण के जल्द से जल्द आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने।